नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज। वक्त है 10 बड़ी खबरों का। लॉकडाउन 4 में कुछ छूट के साथ वाराणसी के मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त कर सकेंगे दर्शन। चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को यूपी लाने की मुहिम में जुटी योगी सरकार। गुरुवार को हुई एक बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। प्रयागराज में बजी खतरे की घंटी, परदेशियों की घर वापसी ने बढ़ाई मुश्किलें। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों ने घर लौटने को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित पीपीए का हुआ पेटेंट, अब बड़े पैमाने पर होगा उत्पाद। सिक्किम में हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना का एक अधिकारी और जवान शहीद। केंद्र सरकार की पहल को दिल्ली के उद्यमियों ने सराहा, कहा इससे फैक्ट्रियों में काम करने में मिलेगी मदद। दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद कैदी को भी कोरोना, 30 लोगों को किया गया क्वारंटीन। कानपुर में भूख से तड़पते बच्चे को देख फांसी पर लटका मजदूर, 15 दिन से नहीं मिला था भरपेट भोजन। प्रवासी मजदूरों के लिए जमीन पर उतरे सितारे, हेमा मालिनी के बाद रवि किशन ने ले सुध। रेल मंत्री को पत्र लिखकर महाराष्ट्र से यूपी के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मांग। ये थी कुछ खास खबरें, फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पेज। नमस्कार।